न संयोगाद वमंतात्म मांत दृष्टान दे रहे हैं ब्रह्मन शब्द मकर है ना संयोग मकरांत संयोग का दृष्टांत इसमें कोई विशेष सूत्र लगेगा नहीं, सीधा सीधा आपको रूप चलाना है जैसे यज्वन को चलाए। यज्वन में क्या हुआ था, अल्लोप अना से जो अकार का लोप था वो नहीं हुआ, न विभाषांगीश हो वो भी नहीं लगेगा है ना, सप्तमी जो विकल्प कर रहा था लगे लोप कार्य खत्म हो गया। इसे कहीं भी आजादियों में भी लोप नहीं होगा, आजादी में मिलाते जाना है, हलादियों में नकार का लोप हो जाएगा तो रूप बनेगा ब्रह्मणो ब्रह्मसु हे ब्रह्मन् हे ब्रह्माणो हे ब्रह्माणः। कोई विशेष कार्य नहीं है यज्वन जैसा, जब ये वही सूत्र लगेगा ना न संयोगा तो मनता वो निषेध करेगा अल्लोप होने से प्राप्त अकार लोप को अजादि प्रत्यंग के परे रहते निषेध कर दिया तो रूप सब यज्वन के समान ही चलेगा। अब आता है एक वृत्रहन शब्द, इंद्र का नाम है ये वृत्रहन, वृत्रहन वृत्र नामक असुर का हत्यारा, वृत्र नामक असुर को मारने वाला जो इंद्र है उसका एक नाम है वृत्रहा। वृत्रहन धन सु का सकार बच गया, वृत्रहन धन स, वृत्रहन धन स इस स्थिति में सूत्र पूर्वत सारे अंगे सु के बढ़ते हुए आप सोड़ा नपुंसक कस्य क्या करेगा, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा सोड़ा नपुंसक कस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा, ऊकालो जृसु दीर्घ प्लुता दीर्घ संज्ञा और यस्मात् प्रसिद्धादि प्रत्यंगम अंग संज्ञा ठीक स्थानांतरतम ये तीन संज्ञा सूत्र हो गया, एक परिभाषा सूत्र की सहायता से नान तुपदा को दीर्घ करने के लिए सर्वनावस्था में चा समृद्ध आता है तो बांधने के लिए एक नियम सूत्र आ रहा है, वो कहते नहीं होगा लेकिन होगा अंत में, बीच में एक नियम सूत्र आएगा पर अंत में सू के प्रति दिलाने वाले का आ रहा है सूत्र। इन्हन पूषार्यम नाम सौ इन्हन पूषार्यम नाम सौ इन्हन पूषार्यम नाम षष्ठी का बहुवचन है और सौ सप्तमी का एक वचन है, दो पदों वाला सूत्र है, दो पद षष्ठी का बहुवचन सप्तमी का एक वचन एशाम सौ एव उपदाया दीर्घो नान्यत्र। ये सूत्र कहता है शी के परे रहते हुए ही दीर्घ करना, अर्थात सु के परे दीर्घ नहीं हो सकता, हन है ना, इसे सबसे पहला हनी ली इन हन पहले इन हो गया, दूसरे नंबर में हन ले लिया, इसे इनके उपदाव के दीर्घ करना है तो शी के परे रहते हुए ही होगा, अन्य के परे रहते हुए नहीं होगा, तो सु के परे होगा क्या नहीं होगा, यानी यही कह रहे हैं एशाम माने इन एक प्रत्यय जैसे दंडिन बनता है ना, दंडिन यशस्विन ये सब क्या इन्नंत है, इन प्रत्यांतों को दीर्घ शिष्य के प्रति भी केवल होता है ठीक, और हन शब्दांत जैसे ये वृत्रहन ब्रह्महन क्षत्रियहन है ना, तो हन शब्दांत जो प्रातिपदिक होंगे और पूषण एक शब्द सूर्य के पर्यायवाची नाम है पूषा सूर्य के एक नाम है, पूषण और अर्यमन पितरों का पितृ देवताओं में से एक देवता का नाम है अर्यमा अर्यमन शब्द है, तो इन्नंत हो गया, ये सब क्या है इन्नंत है अथवा हन्नंत है
अथवा पूषण और आर्यमन, इनसे परे शी हो तो ही दीर्घ होता है। अर्थात शी से भिन्न प्रत्यय सु आदि आने पर दीर्घ नहीं होगा। अतः वर्तमान स्थल वृत्रहन शब्द हन्नंत होने के नाते यहां सु के पर्दे में स्वर्णानुष्ठान समुद्धों से प्राप्त दीर्घ को इस नियम सूत्र के द्वारा निषेध होता है। इस लागे लिख रहे हैं इति निषेधे प्राप्ते इन्हं पुंसां यम नाम सौ इत्यादि सूत्र से निषेध प्राप्त हुआ। सौ एव वो तो इसको बाधेगा ना, वो इसका नियम को बांध रहा है, विधि को नियम ने बाधे, नियम को बांधेंगे और नियम बनाएंगे। शौच इसे क्या लाभ हुआ, ये क्या कर रहा था, पूरे सात जगह कर रहा था कि नहीं कर रहा था, अब क्या हो गया, दो ही जगह मिलेगा। सात जगह जो प्राप्त था उसको इन पुसरनम साओ के कहीं भी नहीं बोल दिया, सातों को सफाया कर दिया, फिर अगला सूत्र केवल दो में दिलाएगा, नियम पर नियम आ गया ना, जरूरत नहीं, वो तो नियमन हो जाता है, नियमन हो गया, शौच के कारण से ही नियम ज्ञापित हो जाते हैं, हर बात सूत्र में नहीं आता। पहले भी एक बार रहते ना, अगला सूत्र से ज्ञापन हो गया वो, ये जालोपन हम आजादी में क्यों बोल देगा, वृत्ति में लिख देते आ जाओ तो विभक्त हो, कहाँ से आया वो, तो हरिलोप के आधार पर, कोई अनुरोध से थोड़ी आ रहा है, यहाँ शौच के आधार पर बोलना, क्योंकि देखो छः चार बारह, छः चार तेरह, अगला ही सूत्र है ना, परस्पर नियमन होकर के ना नेत्र ज्ञापन हो गया। पूर्वत्र असिद्धम में परम प्रति पूर्वम असिद्धम, बारहवें को कैसे मानोगे, पूर्व असिद्ध हो जाएगा, पर वाला ही माना जाएगा पूर्वत्र असिद्धम के अनुसार, और यह पूर्वत्र सिद्धम नहीं लगेगी क्योंकि ये छठे अध्याय का है, जब सवा सात अध्याय का अंतिम तीन पास लड़ाई होती है तो पूर्वोत्तर असिद्धम लगाया जाता है, सात अध्याय के अंदर ही पूर्वोत्तर लड़ाई होती है तो विप्रतिषेद परम कार्य, वो भी विपरीत छेद होते हैं, विपरीत छेद का मामला ही नहीं है, ये केवल सीधे सीधे बाध्य बाधक भाव, समान विषय में बाध्य बाधक भाव कर रहा है, क्योंकि शी का भी सर्वनाम संज्ञा ही होता है, शी का भी क्या है सर्वनाम संज्ञा है ना, शी सर्वनाम स्थानम, क्योंकि यह दीर्घ शी नहीं लेना भूल से भी, समझ में आ रही, ये दीर्घ शी होता तो सूत्र में शव नहीं आ सकता, इसका शव नहीं बनता सप्तमी में, हस्वशी का शव बनता है और दीर्घशी का श्याम, अंग श्याम प्रतिषेध वाच पढ़ा है ना कहीं आपने स्त्रीलिंग में, वहां दीर्घशी है तो दीर्घशी का सप्तमी में श्याम बनता है, हस्वशी का सप्तमी में शव बनता है, हरि का हरौ जैसे, गौरी का गौरियाम जैसे, दीर्घ कारण तो श्याम होगा, यहां शव होने के नाते ह्रस्व ही लेना पड़ता है, दीर्घ ही नहीं, और रसवी कारण जो शी है उसी सर्वनाम संज्ञा होती है, शी सर्वनाम स्थान, समान विषय हुआ कि नहीं हुआ, ये समान विषय में सर्वनाम स्थान के प्रति जो तीर हो रहा था उसको शी रूपी सर्वनाम स्थान मात्र में करो बोल दिया, अन्य सर्वनाम स्थान अपने आप निषेध हो गया, स्वतः ही व्यावर्तन हो गया ना, शव कहते ही अन्य व्यावर्तन स्वतः सिद्ध हो गया, जब अन्यत्र अत्यंत प्राप्त हो गया तब शौच बोलता है, नहीं दो जगह कर दो, सातों में मत भगाओ उसको, तो दो जगह के लिए सूत्र ला रहा है, शौच शौच सौ सप्तमी एक वचन है, चावे है इन्नादिना उपदेय दीर्घो असंबुद्धो सौ, उस दो में से एक ही को बचाया, सु में सु बोल दिया सूत्र ने, फिर असंबुद्धो का अनुवृत्ति आ गया, दो जगह सु मिलता है ना आपको, एक तो प्रथमा के एक वचन में और दूसरा संबोधन के एक वचन में, लेकिन उसमें भी असंबुद्धि की अनुवृत्ति आने से वो दो में से एक ही में जगह बचा, दूसरे जगह भी निकल गया, सूत्रानुसारेण दो जगह रहा था, अनुवृत्ति की वजह से अंत में एक ही जगह बच गया, प्रथमा का एक वचन के लिए एक जगह दीर्घ करना है, बाकी सब जगह निषेध हो गया। इन्नादिन उपदाया दीर्घ असंबुद्ध सौ, संबुद्धि से बिन सूखे पर रहते हुए इन्नंत हन्नंत पूषण और आर्यमन शब्दों को उपधा को दीर्घ हो जाता है। इस असंबुद्धि दिखाने के लिए एक वचन संबुद्धि को साथ में ले लीजिएगा तो निश्चय हो जाएगा, ये असंबुद्धि वाला सुख प्रथमा में आया हुआ है, संबोधन में प्रयुक्त नहीं है।
ये कहना पड़ेगा। एक वचन संबुद्धि इत्यने न संबोधने प्रयुक्ता या प्रथमाया एक वचनम तस्व संबुद्धि संजकत्वात् वर्तमान प्रकृत स्थले तो प्रथमाया एक वचन एव प्रयुक्तम न तो संबोधने अतएव असंबुद्धिषु तस्मात् कारणात् दीर्घो भवति वृत्रहान वृत्रहान ध्वंस। अब हल क्या भी दीर्घ सुप्रथम हल सकलोप कर दीजिएगा ठीक सुप्ति पयम से पद संज्ञा कर लीजिए और नलोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप कर दो रूप बन जाएगा वृत्रहा 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 प्रथमा का एक वचन का रूप बन गया। वासवो वृत्रहा वृषा इंद्र अमर कोश में लिखा पर्यायवाची वृत्रहा संबोधन कर लीजिए हे वृत्रहन धन सा हे वृत्रहन धन सा सा का हल के लोप हो जाएगा नकार का लोप प्रातिदिन से लोप होना प्राप्त हुआ न नी संबुद्धियो न नी संबुद्धियो निषेध कर देगा तो हे वृत्रहन बनेगा दीर्घ होगा नहीं क्योंकि इसने मना कर दिया ना अभी शौचन है। अभी आपने देखा सर्वनाम स्थान समुद्धो से दीर्घ प्राप्त था उसको सर्वत्र निषेध कर दी थी उसको शौच ने क्या कर दिया असंबुद्धि सु मात्र में दिलाया है इस संबुद्धि सु के प्रति भी दीर्घ नहीं होगा तो हे वृत्रहन यह रूप रह जाए हे वृत्रहन और द्वितीय में द्विवचन में द्वितीय नहीं द्विवचन में वृत्रहन धन औ वृत्रहन धन औ इन्हीं कारणों से क्या हो जाएगा औ को भी दीर्घ नहीं होगा सारे सूत्र प्राप्ति बता के शौच के वजह से क्या हो गया सुमात्र में होगा अन्यत्र होगा नहीं इसलिए औ में भी नहीं हुआ वृत्रहन रह गया। तो वृत्रहन धन औ स्थिति में वृत्रहन धन औ स्थिति में क्या हुआ मिला दीजिए केवल और कोई काम नहीं था वृत्रहन औ। अब इन नकार को नकार करने वाला सूत्र हम ना एकाजुत्तर पदे नहा पहले एक बार मैं सूत्र को बोला भी हूं एकाजुत्तर पदे नहा कहां बोला था है? श्रीपा में नपुंसक लिंग श्रीपेणा बनाया था ना नपुंसक लिंग में अजंत नपुंसलिंग श्रीपा को नपुंसक ह्रस्व नपुंसक प्रातिक से रस हो गया श्री प बन गया ज्ञानवत रूप चला श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी श्रीपेण श्रीपाभ्याम श्रीपही वहां श्रीपाणी में अणकार जो हुआ है णत्व श्रीपेण में जो अणकार को हुआ णत्व और श्रीपाणाम में जो अणकार को हुआ णत्व इसी सूत्र से हुआ उस समय मैंने बोला था एकाजुत्रोपदे न आगे आने वाला सूत्र से दंत अणकार को मूर्धन्य होता है क्योंकि यहां भी दो पद है श्री अलग है पा अलग है श्रियम पातीति श्रीपा ये बनाया तो इसमें जो रेफ है इसको निमित्त मान करके इस उत्तर पद के व्यवधान होने पर भी नकार को नकार करने के लिए सूत्र लाया श्रीपेणा। तो देखिए सूत्र को समझिए एकाज उत्तर पदे नहा एकाज उत्तर पदे सप्तमी का एक वचन नहा प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। एकाज उत्तर पदम यस्य तस्मिन् समासे पूर्व पदस्तात् निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिस्तस्य नस्य नः स्यात्। एकाच उत्तर पदम यस्य एकाच उत्तर पदम यस्य समबहुव्रीहि समास जैसे यहां क्या हन में क्या बचा हन में एक ही अच्छ है ना क्योंकि ह अ न मिलकर के बना है हन ये उत्तर पद है। हमने उत्तर पद का लक्षण क्या लिखाया था याद है कल ही लिखाया समास चरम अवयव रूढ़ उत्तर पद संज्ञा है या नहीं समास के चरम अवयव में रूढ़ होता है समास किन दोनों के बीच में हुआ वृत्र और हन वृत्रम हन्ति इति वृत्रहन आपने बनाया इसलिए वृत्र शब्द और हन शब्द इन दोनों के बीच समास हुआ है इन दोनों के बीच समास अंतिम पद कौन है हन इसलिए होगी उत्तर पद और कैसा है एक अच्छ वाला है इसलिए इसको क्या कहेंगे एकाज उत्तर पद वाला समास ये समास कैसा है एक कच्छ है उत्तर पद में जिसका ऐसा समास को रखा है यहां पे
एक अच वाला उत्तर पद है जिसमें ऐसा समास है ये वृत्रहन। तस्मिन समासे, इस समास में पूर्व पद स्थात निमित्तात्परस्य, पूर्व पद में सिद्ध कौन है? रेफ रूपा निमित्त, पूर्व पद में रह है ना, रह कहा है? हन में नहीं, उत्तर पद में, पूर्व पद में वृत्रा में रह दिख रहा है ना। नकार का जो निमित्त हमेशा क्या होता है? मूर्धन्य रेफ और मूर्धन्य शकार, दो में से होना चाहिए ना नत्व करने, वो रह या शकाय पूर्व पद में है। यानी देखो अभी समास है पूर्व पदस्तात निमित्तात, पूर्व पद में स्थित हो निमित्त र अथवा श, यहाँ र है, परस्य उससे पर में, चाहे इसी प्रातिपदिक का नकार हो। ये जो न किसका है? प्रत्यय है क्या? प्रत्यय नहीं, वृत्रहन प्रातिपदिक का नकार है, प्रातिपदिकांतम और नुम, आ तो नुम का, नुम का कहा श्रीपाणी, नुम हुआ था ना नपुंसक से झलाचा, नुम किया था और श्रीपाणी बनाया, नुम हुआ। तीसरा नाम के लिए बोल रहे षष्ठी के बहुवचन में विभक्तिस्थस्य, विभक्ति में जो स्थित नकार, श्रीपेणा में कहा है नकार, इन कहाँ का है? इन प्रत्यय का है ना, और श्री पा नाम, ये नकार कहाँ है? प्रत्यय में, विभक्ति में है ना, कि नुट का किसको हुआ? आम को, आम का वय है ना नकार, जिसको मित्तागम होता है उसी का वय हो जाता है, आम का वय नुट होने से नाम क्या हो गया? नाम का नकार जो है विभक्तिस्त नकार है। इन नकारों को भी श्री का रेफ को लेकर के नत्व कर रहे हैं। वर्तमान में प्रातिपदिकांत का दृष्टांत है और ये दो विभक्तिस्त का दृष्टांत है, और श्री पाणी जो दिया आपने नुम आगम किया, कि नुम का दृष्टांत है। ये प्रातिपदिकांत एक नुम, दूसरा विभक्तिस्थस्य च, और विभक्ति में विद्यमान जो नकार इन्नस्य स्थाने णः स्यात्, इन दंती नकारों को मूर्धन नकार होता है। जब यह दंती नकार ये तीन जगह में रहते हो कैसा होना चाहिए? वो एकाच उत्तर पद वाला होना चाहिए और पूर्व पद में निमित्त उपस्थित होना चाहिए। उत्तर पद में निमित्त हो तो नहीं, निमित्त कहाँ होनी चाहिए? पूर्व पद में, उत्तर पद में नहीं। समास एकाच उत्तर पद वाला हो और पूर्व पद में निमित्त स्थित हो, ऐसी अवस्था में प्रातिपदिकांत नकार नुम के नकार अति विभक्ति में स्थित नकारों को मूर्धन्य नकार हो जाता है। अत इस दंत नकार को क्या हो गया? अभी मूर्धन्य हो गया। एकाच उत्तर पदे न सूत्र से मूर्धन्य हो गया तो वृत्रहाणम वृत्रहाण है ना, कहीं दीर्घ होना नहीं है, सब केवल विभक्ति को मिला के केवल इस दंत नकार को मूर्धन्य करना ही एकमात्र प्रक्रिया है। बाकी सब वही है कि निषेध करने के लिए दीर्घ को, कि सर्वनाम साने ये दीर्घ करने आएगा तभी नियम करेगा, उसको भी बाधेगा ये, इसलिए कहना तो पड़ेगा यहां तक पूरी प्रक्रिया, फिर एक उत्तर पद ना दंत नकार को मूर्धन्य कर देना। कहां तक? आउट तक, शस में विशेष काम है। शस में देखिए क्या करना है, वृत्रहंधन शस, वृत्रहंधन शस, शस का बच गया है अस, वृत्रहन का क्या हुआ? इसलिए भाव संज्ञा और इसमात्र प्रत्ययन से अंग संज्ञा, भाव संज्ञा किससे? प्रत्यंगम से अंग संज्ञा कर लेना, ये दोनों संज्ञाओं की सहायता से सूत्र लगाना है। और एकाच उत्तर पद देने की जरूरत नहीं, वो आठवें अध्याय के चौथे पाद का है, एकाच उत्तर पद देना आठवें अध्याय चौथे पाद का है, इसे उसको लगाने के लिए मैंने नहीं बताया, वो जरूरत नहीं, अंग संज्ञा भस कोई संज्ञा की जरूरत नहीं। हो हंते ऋणिन्नेशो सूत्र आ रहा है, देखिए हो हंते ऋणिन्नेशो, इससे पहले आप वो लगा लीजिए अल्लोपो आना, भसंज्ञा अंग संज्ञा जब करने के बाद में अल्लोपो अनह,
यहाँ वो भी करना पड़ेगा अदर्शन लोपालोप, यंग संज्ञा की सहायता लेकर के अल्लोपन से हाथ के अलोप कर दीजिएगा तब सूत्र आएगा। वृत्र हल न हल धन अस अल्लोप अनहा सूत्र से अनज्ञाकार लोप कर दीजिएगा तत्पश्चात यह सूत्र लगता है हो हंते इनिन्नेशो, हो हंते इनिन्नेशो, हो षष्ठी एक वचन, हंते है षष्ठी एक वचन, इनिन्नेशो सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी दो षष्ठी के एक वचन है और अंत वाला सप्तमी का बहुवचन, बोलने में गलत हो गया, सप्तमी का वचन। इति निति प्रत्यय नकारे च परे हंतेर हकार से कुत्वम स्यात्, ये कहते इति निति प्रत्यय नकारे च परे इत नित प्रत्यय हो, इत प्रत्यय हो, नित प्रत्यय हो अथवा नकार पर में हो, यहाँ प्रत्यय नहीं इत्य न नित्य है किंतु क्या है ह से पर में नकार है। अब लेकिन एक काज उत्तर पर ना नहीं लगा देना क्योंकि अच रहा नहीं, अच गायब हो गया, अच को तो आपने लोप कर दिया ना, अब उत्तर पद कैसा है, एक अच नहीं है, इसलिए आप दंत नकार को मूर्धन्य नहीं कर देना, समझ में आई ना, भूतपूर्व गत्या कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा, लोप या सिद्ध है, असिद्ध नहीं है, लोप सिद्ध होने के नाते यहां पर दंत नकार को मूर्धन्य तो होगा नहीं, किंतु ह और न अव्यवहित पर में नकार मिल गया, यह प्रतिहित भी नहीं है नित भी नहीं है, किंतु तीसरा जो निमित्त था क्या अव्यवहित पर में नकार मिलना चाहिए, वह नकार यह मिला है। इति निति प्रत्यय नकारच परे हंतेर हकारस्य कुत्वम स्यात्, हं धातु के हकार को कुत्व कर देना है, कुत्वम माने कवर का आदेश करना, कवर में क्या है क पांच प्राप्त, इसमें स्थानांतरतम लगाना पड़ेगा और क्या स्थान कृतांतरतम से काम चलेगा नहीं, स्थान कृत बराबर है वो भी कंठ है, सारा का सारा कंठ है ना, स्थान कृत नहीं चलेगा, गुणकृत करनी पड़ेगी है ना, गुणकृत में क्या होता है बाह्य प्रत्यय लगाना पड़ता है, हसो नादा घोषा से ये आ जाएगा, पहले खर रहे खर से तो अलग हो जाएगा खरो विवारा और हस आ गया, हस के अंदर तीन आ गए, तीन में से भी ह क्या है शल, शल है महाप्राण, तो ये तीन में महाप्राण वाले कौन है घ, और ये दोनों अल्प प्राण वाले हैं चले जाएंगे, केवल घ ही बचता है, इसलिए स्थानांतरतम को लेकर के गुणकृत सादृश्यता करता हुआ आपने घ आदेश कर दिया तो रूप बना गया वृत्र घ, सकार वृत्र सब कर दो रूप बन गया वृत्रघ्न, वृत्रघ्ना, वृत्रघ्ना, तृतीय में क्वेश्चन में क्या होगा लोपन सकार लोप, फिर इस सूत्र से ही नकार को घकार को घकार हो गया वृत्रघ्ना का कहा मिल जाएगा, आजादियों में प्रत्यय मिला दीजिएगा इसी प्रक्रिया करके, हलादियों में क्या होगा वृत्रहंदन भ्याम, वृत्रहंदन भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस सुख सबको इकट्ठा ले लो है? सारे हला दी, अब होगा क्या वहां एक ही सूत्र लगना है न लोप प्रातिपदिकांतस्य नकार को लोप कर, उसके लिए प्रसंग कौन करेगा सुप्तिगंध पद में नहीं बोलना स्वादिश असरनाम स्थाने, स्वादिश असरनाम स्थाने हलादि प्रत्यंग प्रति क्या करेगा पद संज्ञा, ब संज्ञा नहीं होगी पद संज्ञा होगा, पद संज्ञा का फल क्या है न लोप प्रातिपदिकांतस्य नकार का लोप हो गया वृत्र ह भ्याम, वृत्र ह भी ये रूप बन जाएगा, चलिए रूप चलाइए वृत्रहा वृत्रहण वृत्रहण हे नहीं वो भी चला वृत्रहण वृत्रहण वृत्रघ्न वृत्रघ्ना वृत्रहाभ्याम वृत्रहाभिः वृत्रघ्ने वृत्रहाभ्याम वृत्रहाभ्यः वृत्रघ्नः वृत्रहाभ्याम वृत्रहाभ्यः वृत्रघ्नः वृत्रघ्नोः वृत्रघ्नाम वृत्रघ्नी वृत्रघ्नोः, यहाँ सप्तमी में दो बनना चाहिए वृत्रघ्नि वृत्रहाणी की विभाषा की श्यो अल्लोपना की जो अकार लोप था नित्य उसको विकल्प कर दिया, एक बार जब लोप हुआ वृत्रघ्नि
जब लोप नहीं हुआ वृत्रघणी है ना, वृत्रहाणी, वृत्रघणौ वृत्रघणौ वृत्रहासु, हे वृत्रहन, हे वृत्रहाणौ, हे वृत्रहाणः। अब एवं इसी प्रकार से इन्नन का दृष्टांत दे रहे, देखिए शारंगिन यशस्विन, शारंगिन यशस्विन, इनके रूप सीधे सीधे चलाना है। यहाँ पर तो कुत्त वाला झंझट भी नहीं है, वो अंतरिण नेशो हन धातु में करता है ना, यहाँ कहीं हन धातु तो है ही नहीं, इसलिए सु में दीर्घ करो, अन्य में दीर्घ मत करो, अजादि में मिला देना, हलादियों में जो है नकार लोप कर देना। देखिए कैसे चलता है, शारंगी शारंगिणौ शारंगिणः, यहाँ शारंगिणौ मेणत्व कौन करेगा, आठ को मैं देख रहा था एक चित्रपद में बोल दे क्या समाज हुआ ही नहीं, ये शारंगिन में ये अटको पांगण वैर से शारंगी में रेफ है ना, शार शार के बाद क्या ंगिण में क्या है, कु चु टू नकार को नत्व कर देना हो जाएंगे। कु कवर की केवल व्यवधान है, शारंगिन गिन में गंगई अट भी व्यवधान, अट और कवर व्यवधान है, अतिवणत्व में कोई रोक नहीं सकता। शारंगिणौ शारंगिणः, शारंगिणम शारंगिणौ शारंगिणः, कुछ लोप लाप नहीं करना, शारंगिणः आकार नहीं है ना, इकार है, शारंगिणः शारंगिणा शारंगिभ्याम शारंगिभ्य भी शारंगी भी शारंगिणे शारंगिभ्याम शारंगिभ्य शारंगिणः शारंगिभ्याम शारंगिभ्य शारंगिणः शारंगिणोः शारंगिणां शारंगिणी शारंगिणोः शारंगिषु, हे शारंगिन, हे शारंगिणौ, हे शारंगिणः। इसी प्रकार से यशस्वी यशस्विनौ यशस्विनः, यशस्विनम यशस्विनौ यशस्विनः, यशस्विना यशस्विभ्याम यशस्विभिः, यशस्विने यशस्विभ्याम यशस्विभ्यः, यशस्विनः यशस्विभ्यः, यशस्विनः यशस्विनोः यशस्विनां यशस्विनी यशस्विनोः यशस्विषु, हे यशस्विन, हे यशस्विनौ, हे यशस्विषु। फर्क थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, सप्तमी का बहुवचन में वृत्रः सु बोला दंत सकार, और यहाँ शारंगीषु, क्यों अ इण में नहीं आता, लेकिन ई है ना, यहाँ नकार लोपन क्या बचता है, शारंगी यशस्वी जो ई है इण में है, इसे इण पर से परे सकार मिल गया, आदेश प्रत्यय से यह शब्द हो गया। ये ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है पूर्व सूत्रों का एक काम, जो अकार से पर में आ रहा हो तो शब्द करना नहीं, और ई ऊ रिल री अट से पर में आ गया तो करना है, यानी ये ध्यान रख करके रूप चलाना है। और आर्यमन, यहां पर आर्यमन में क्या होगा, आर्यमा आर्यमाणौ, क्योंकि उसमें है क्या नहीं है, है आर्यमाणौ नहीं, आर्यमाणौ दीर्घ होगा नहीं, दीर्घ नहीं होगा, आर्यमा आर्यमाणौ आर्यमाणः, आर्यमणम आर्यमाणौ आर्यमणः। यहाँ पे देखिए अल्लोप होना लगेगा, आर्यमन है ना, मन हन जैसे ह अ न म अ न अ कलोप होगा, अल्लोप होना से आर्यमणः आर्यमणः आर्यमणा आर्यमभ्याम आर्यमभिः आर्यमणे आर्यमभ्याम आर्यमभ्यः आर्यमणः आर्यमभ्याम आर्यमभ्यः आर्यमणः आर्यमणोः आर्यमणाम आर्यमणी आर्यमणि, दो बनेगा आर्यमणोः आर्यमसु, सु आएगा शूनि आर्यमसु, हे आर्यमन, हे आर्यमणौ, हे आर्यमणः। पूषण पूषा पूषणौ पूषणः, पूषणम पूषणौ पूषणः, इन सब जगह जो मूर्धन्य नकार होगा दंत नकार को अटकुप्पांग विवाये पीसे, क्योंकि आर्यमन में क्या है, मन प्रत्यय है, वो उत्तर पद नहीं है, आर्यमन में जो मन है वो प्रत्यय है, ये उत्तर पद नहीं है, अतएव एकाचित पद नहीं लगाना, यहाँ अटकुप्पांग पीसे ही नत हो जाएगा। और पूषण में भी
स है, बीच में आकार और दंत नकार है, दंत नकार जब मूर्धन्य होगा अटको पंगने व्यापी से हो जाएगा। अब वहां पर जब अलोपना कर दोगे स और न अव्यवधान हो जाएगा, बीच में आकार नहीं रहेगा, तब अटको पंगने में लगाना, वहां क्या लगेगा, रसाभ्याम नोण समान पदे, रसाभ्याम नोण समान पद, चतुर्नाम सूत्र में आया था ना आरोप बनाते वक्त, वो सूत्र लगेगा पुष्ण में शसादियों में, शस तक अटको पंग चलाइए, उषा पूषण पूषण पूषणम पूषण पूष्ण पूषणा पूषभ्याम पूषभि पूषणे पूषभ्याम पूषभ्य पूष्ण पूषभ्याम पूषभ्य पूष्ण पूष्णो पूष्णा पूष्णी पूषणी पूष्णी पूषणी दो बनेगा, विभाषा गीश्योह विकल्प से लोप करता है, जब लोप हुआ पूषणी रसाभ्याम नोना सूत्र से अणत्व, अनलोप नहीं हुआ पूषणी अटको पाने से नत्व, पूष्णो पूषसु हे पूषण हे पूषण हे पूषण। इसके बाद रूप चलाना है मघवन, यह भी इंद्र का नाम है मघवन, मघवन मघवन शब्द है मघवन धनसु, पूर्वत सर्वनाम स्थान चा समुद्धौ दीर्घ होना प्राप्त हुआ, इन्नंत नहीं अन्नंत नहीं पूषण नहीं अरेमन नहीं, इसलिए सूत्र कोई नहीं आएंगे, सीधा पे कहेंगे सर्वनाम स्थान चा समुद्धौ प्राप्त हुआ। सूत्र आता है मघवा बहुलम, मघवा बहुलम, मघवा प्रथमा के एक वचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन, दो पदों वाला यह सूत्र है। मघवन शब्द से वा त्रीत्यंतादेश, मघवन शब्द से वा त्रीत्यंतादेश, मघवन शब्द को विकल्प से त्री या अंतादेश होगा। उस दिन हम बोल रहे थे जो परिभाषा भी यहां लगेगी, देखिए ऋकार के संज्ञा कौन करेगा, हाँ ठीक है, उपदेश जन्मासगित, उपदेश अजन्मासगित, उपदेश कालीन जो अच्छे हैं उसकी अनुवासिक चुंगित संज्ञा वही सूत्र करता है तो बचता है। नानुबंध कृतम अनेकाल्पम, याद एक दिन आपने बोला तो मैंने समझाया था नानुबंधन कृतम अनेकाल्पम, अभी हम पहले संज्ञा किए बिना आदेश करना चाहेंगे ये क्या हो जाएगा अनेकाल, अनेकाल होगा तेरी तो क्या हो जाएगा अनेकाल से सर्वस्व से संपूर्ण मघवन के जो आदेश हो जाएगा। इसलिए उपदेश कालीन जो इत्संजक वर्ण है जिनकी संज्ञा होती यदि है तो उनको इत्संज्ञा करके ही आदेश किया जाएगा, और जब इत्संज्ञा करके लोप हो जाने के बाद में उस इत्संज्ञा वाला वर्ण को जोड़ करके आप अनेकाल गिनती नहीं करेंगे। ये परिभाषित है नानुबंध कृतम अनेकाल्पम, अनुबंध को लेकर के आप अनेकाल की गणना नहीं करेंगे, आते हुए अनेकाल नहीं है कि उपदेश जन्मासिक संज्ञा होकर चली जाएगी तो क्या बचता है, तो हल बचता है, तो कितना है ये एकल है, अनेकाल नहीं होने से सर्वादेश नहीं होगा, किंतु अलोंत्य से अंत्यभूता जो नकार है नकार को तकार आदेश हो गया मघवत हो गया, नानुबंधन कृतम अनेकाल परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसलिए विचार करना पड़ता है पहले लो इस संज्ञा होकर लोप हो रहा है कि बाद में इस संज्ञा हो रहा है कि कहाँ कब समझना पड़ता है, जैसे शी आदेश होता है वहां पर आप पहले इस संज्ञा नहीं कर सकते ना, शित्वादेश की बात तो हुई थी पहले आज संज्ञा होती नहीं, वहां आदेश होने के बाद में अस्थान्यंतर तम से प्रत्यय लाओगे तब लशक लगेगा इस संज्ञा तब होगा, इससे पहले क्या होगा वो अनेकाल माना जाएगा, पहले शी क्या है अनेकाल, अनेकाल तो सर्वा शिप्त सर्वाधिक है, पहले शकार की संज्ञा हुई नहीं जब आदेश कर रहा हूं, यहां तो पहले संज्ञा हो गया ना, इसे अनिकल तो थोड़ी आदेश कर रहा हूं, वहां अनिकल तो कर रहा हूं, वहां पहले संज्ञा किस सूत्र से करोगे, पहले कौन सूत्र है शकार की संज्ञा करने वाला, आदिभूत शकार है वो, किस सूत्र से करोगे पहले करो, बोल सोचे तो बोलो किस सूत्र से करोगे सीखो, प्रत्यय है कहा जैसा शी जब शी आयस कर रहे हो
है ना, जस से शी आदेश करते हो या अंगापा से शी आदेश करते, किसी भी सूत्र से शी करोगे वो शी आदेश प्रत्यय तो है नहीं, तो पहले कैसे करूँ? इसलिए आदेश करने के बाद जब कोई संज्ञा करनी पड़ती है तो आदेश काल में वो अनेकाल हो गया तो सर्व आदेश हो गया। यहाँ अनेकाल नहीं रहा आदेश काल में, क्योंकि कार की संज्ञा हो गई और अनुबंध कृत अनेकाल तो नहीं माना गया, अतः एकाल होने से अलोन्त्यस्य न तर्क्ये या अंत में ही केवल आदेश होगा। तो प्रातिपदिक क्या हो गया अभी? मघवत् धन स, मघवत् धन स।